Good afternoon, students. Now today we will continue chapter 9, fractions. Subtopics: comparison of fractions and order of fractions. First, I will tell you the comparison of like fractions. Like fractions, बच्चों आपको पता है क्या होते हैं? Like fractions are those fractions whose denominators are same, जिनके denominators same होते हैं. Now compare their numerators. यहाँ पे मैं जो मैंने ए पार्ट में जैसे आपको एक एग्जांपल दिया है 8/10 एंड 7/10. अब हम देखेंगे इसको कैसे कंपेयर करेंगे. व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो फ्रैक्शंस विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फॉर लाइक फ्रैक्शन. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो ग्रेटर होता है. अब आपने यहाँ देखा 8/10 और 7/10, 8 और 7 ये न्यूमरेटर्स हैं. अब इस न्यूमरेटर में से कौन सा ग्रेटर है? 8 बड़ा है 7 से, तो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा इससे. नाउ नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, 13/18 एंड 16/18. हियर द डिनोमिनेटर्स आर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे कि कौन सा ग्रेटर न्यूमरेटर है. दिस साइड द ग्रेटर न्यूमरेटर 16 इज ग्रेटर देन 30, तो वी पुट दिस इन दिस वे. हमारा ओपन माउथ इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे इस साइड फ्रैक्शन बड़ा था तो ये ओपन माउथ इस साइड आएगा. नाउ क्लियर दिस. जब बच्चों अगेन आई एक्सप्लेन कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है, लाइक फ्रैक्शन होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उस फ्रैक्शन की तरफ ओपन साइन उठा जाता है. क्लियर? वो साइन इस तरीके से, इधर ये वाला फ्रैक्शन बड़ा था तो इधर लग गया, इसमें ये वाला फ्रैक्शन इस साइड बड़ा है तो हमने इस साइड लगा दिया. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कंपेरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर. अनलाइक फ्रैक्शन का कंपेयर देखेंगे जिसके न्यूमरेटर सेम, देन कंपेयर देयर डिनोमिनेटर्स. तो हम उसके डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करेंगे जब न्यूमरेटर सेम है. तो फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर फॉर अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर. जहां पे बच्चों जैसे फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू 2/8 एंड आई राइट इट हियर 2/9. अब आप देखेंगे न्यूमरेटर सेम है या अनलाइक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर सेम है. न्यूमरेटर सेम है तो जो डिनोमिनेटर स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा वो ग्रेटर होगा. तो 8 और 9 यहाँ पे डिनोमिनेटर्स ये हैं हमारे, तो विच वन इज ग्रेटर? 9 इज ग्रेटर. एंड विच वन इज स्मॉलर? 8 इज स्मॉलर. तो जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होगा डेट इज द ग्रेटर, ये ग्रेटर होगा जब न्यूमरेटर सेम होंगे, तो वी पुट दिस साइन बी. तो हम ये वाला साइन इधर लगाएंगे. बच्चों ये क्लियर हो गया? मैंने क्या बताया, जब न्यूमरेटर सेम होता है जिसका स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है डेट इज द ग्रेटर, वो वाला फ्रैक्शन ग्रेटर होता है. अनादर एग्जाम्पल आई गिव यू 13/17 एंड 13/19. नाउ अगेन यू सी दिस इज द स्मॉलर, 17 इज स्मॉलर, तो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर, वी पुट द साइन हियर. नाउ वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू, दैट इज द 4/9 एंड 4/6. Now here the numerators are same. We compare their denominators. Which one is smaller? This one is smaller. So this fraction is greater. So we put the sign here. Now all of you understand these two. Now the next one is compare of the unit fractions. Suppose unit fraction here where. आपको बताया था यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जिसका न्यूमरेटर 1 होता है. फ्रैक्शन हूज न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू 1 दैट इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन. सपोज 1/4 एंड 1/3.
Now how we compare? इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे? जब यहाँ पे भी देखा न्यूमरेटर क्या है हमारा सेम है, तो हम किसको कंपेयर करेंगे? डिनोमिनेटर को. डिनोमिनेटर में क्या देखेंगे? विच वन इज स्मॉलर. अब आपने देखा फोर इज स्मॉलर और थ्री इज स्मॉलर. थ्री इज स्मॉलर, ये छोटा है तो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस, तो ये वाला बड़ा फ्रैक्शन होगा इससे. नाउ कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. सपोज हमारे को एक अनलाइक फ्रैक्शन दिया है तो उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे? अब अनलाइक फ्रैक्शन दिया है जैसे सपोज 2/3 एंड 4/5. इसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है हमारे, दैट इज द अनलाइक फ्रैक्शन. तो इसको कैसे कंपेयर करेंगे? इसकी टू मेथड्स. फर्स्ट इसका एलसीएम ले लें बच्चों. तो एलसीएम के लिए हम क्या लेंगे? सबसे पहले मल्टीपल ऑफ थ्री. मल्टीपल ऑफ थ्री, थ्री के मल्टीपल्स क्या हो गए? 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18 एंड 0. देन मल्टीपल ऑफ फाइव, दोनों के हमने मल्टीपल्स दिए 3 और 5. 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 एंड 6. अब हमने क्या लिया? कॉमन मल्टीपल्स लिए इसमें. तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो गए दोनों में? हमने देखा कौन सा हमारा फर्स्ट कॉमन है दोनों में, दैट इज द 15. तो एलसीएम इज 15. हमारा एलसीएम क्या आ गया यहां पर? 15 आ गया. अब बच्चों जब हमारा एलसीएम हमारे पास में 15 आ गया, तो एलसीएम 15 आने के बाद हम देखेंगे 3 को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 15 हमारा एलसीएम बन जाए. तो यहाँ पे आपने देखा 3 गिवन है, 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा? 15, दैट इज द एलसीएम. हमें एलसीएम बनाना है. अब हमने ये इधर भी एक नंबर ले लिया 4 और 5. 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 15 बनेगा? दैट इज 3. अब हमने इस नंबर को बच्चों क्या किया, यहाँ पे लिखा 2/15 और यहाँ पे भी लिखा 4/15. मीन्स हमने क्या बना लिया? लाइक फ्रैक्शन. जब हमारे पास में अनलाइक फ्रैक्शन गिवन है तो हम इसके टू मेथड्स हैं. वन मेथड अभी मैंने बताया कि हम इसके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. एलसीएम हमने कैसे किया? पहले इसका मल्टीपल निकाला, फिर इसका मल्टीपल निकाला, कॉमन मल्टीपल निकाला एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 15. फिर हमें डिनोमिनेटर में 15 बनाना है दोनों साइड. तो हम उस नंबर जैसे यहाँ 3 दे रखा है, 15 बनाने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ा 5 से, और जो टर्म हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वही न्यूमरेटर में भी करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. अब हमने यहाँ पे क्या किया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 से किया तो ऊपर न्यूमरेटर में भी 3 से करेंगे. ये बन जाएगा 2 5 10 अपॉन 15, 4 3 12 अपॉन 15. अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन गया, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे कि विच वन इज ग्रेटर. तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? दिस. तो 12/15 किससे आया था हमारा? 4/5 से. तो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर. अब इसका सेकेंड मेथड क्या है? ये तो बच्चों फर्स्ट मेथड था. आपको जब दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ जाए तो आप किसी भी एक को फॉलो कर सकते हैं जो आपको इजी लगे. अब सेकेंड मेथड क्या है? ये सेकेंड मेथड है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें. तो 2 5 कितना हो गया? 10 और 3 4 कितना हो गया? 12. अब हमने देखा कि कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है. इट मीन्स कौन सा ग्रेटर हो जाएगा? 2/3 इज ग्रेटर देन 4/5. तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड इजी रहता है एलसीएम से. लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर पूछा बाय एलसीएम मेथड यू कंपेयर, तो हमें एलसीएम मेथड भी आना चाहिए.
तो एलसीएम मेथड भी इजी है, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे वो भी टफ नहीं लगेगा। तो बच्चों आज आपको ये समझ में आ गया कि हमने कंपैरिजन पढ़ा, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो तो हम कैसे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो बेटा असेंडिंग में क्या होता है, दैट इज स्मॉलर टू ग्रेटर। स्मॉलर फ्रैक्शन से हम इसमें अरेंज करते हैं ग्रेटर पे। एंड इन डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में हम क्या करते हैं, दैट इज ग्रेटर फ्रैक्शन टू स्मॉलर, ग्रेटर से हम स्मॉलर फ्रैक्शन। जब लाइक फ्रैक्शन होता है बच्चों, सपोज द फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन, मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/3 एंड 4/4, नीचे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज 1/6, 3/6, 5/6, क्लियर। अब इसके डिनोमिनेटर सेम है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हमने क्या किया, सबसे छोटा देखा इसमें न्यूमरेटर्स में, सबसे छोटा 1/6 है, फिर 3/6, फिर 5, ये एज इट इज आ गया। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग में अरेंज करना है तो कैसे करेंगे हम, 5/6, देन 3/6, देन 1/6। ये तो जब जब डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो हम उनके डिनोमिनेटर्स को पहले सेम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ एलसीएम लेके बताया था मल्टीपल्स निकालकर, क्लियर। तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करिएगा आपको ये अच्छे से, फिर नाउ वी कंटिन्यू द एक्टिविटी। नाउ वी कंटिन्यू द एक्टिविटी 5। अभी हमने एग्जांपल्स पढ़े थे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के, तो यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों की क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें हमें यही देखना है कि कौन सा साइन है। वी कंपेयर द फ्रैक्शंस, नंबर ए इज 3/7, देन डैश 5/7। अब हमें इस बॉक्स में साइन लगाना है कि कौन सा आएगा। नाउ यू सी डिनोमिनेटर्स आर सेम, दैट इज द लाइक फ्रैक्शन, तो हम किसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे, न्यूमरेटर्स को, कि विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर, दैट इज द ग्रेटर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो ग्रेटर फ्रैक्शन। 3 और 5 में से कौन सा ग्रेटर है, दैट इज 5, तो दिस इज द ग्रेटर फ्रैक्शन, तो हमने वहां पे साइन लगा दिया। नाउ यू सी दैट इज द बी पार्ट, अब हम बी देखेंगे, दैट इज 11/12 एंड 10/12, द सेम लाइक फ्रैक्शंस डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब हम फिर कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर को, 11 और 10, कौन सा बड़ा है इसमें, 11, तो हमारा साइन आ जाएगा, द ग्रेटर फ्रैक्शन ये वाला हो जाएगा, क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट हम देखेंगे सी पार्ट, 4/5 एंड देन 4/5। अब यहाँ पे दोनों साइड न्यूमरेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, दैट इज द इक्वल फ्रैक्शन, यहाँ कौन सा साइन आएगा, इज इक्वल्स टू का। नेक्स्ट इज डी पार्ट, डी पार्ट में देखिए, दैट इज 3/7 एंड हियर इज 3/5। अभी आपको मैंने बताया था इससे पहले कि जब न्यूमरेटर सेम होते, दैट इज अनलाइक फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, इनके न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं बच्चों, तब हम जो स्मॉलर डिनोमिनेटर होता है, दैट इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे स्मॉलर डिनोमिनेटर कौन सा है, 5 वाला, 7 तो बड़ा हो जाएगा, तो ये दिस इज द ग्रेटर फ्रैक्शन, तो 3/5 इज द ग्रेटर फ्रैक्शन, ये बड़ा माना जाएगा, तो इसलिए साइन यहाँ पे आएगा, क्लियर। और इसमें मैंने एक और वे आपको बताया था मैथड, कि हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, तो 3 5 15 और 7 3 21, तो 15 इज लेस देन 21, 21 वाला बड़ा होगा, उस साइड आएगा, क्लियर।
तो ये हमने अभी आपको बताया था एग्जांपल्स के लिए. नेक्स्ट इज एक और मैं ई पार्ट आपको बता रही हूँ बच्चों, दैट इज 16/5, देन 16/3. अब आप देखेंगे इसमें न्यूमरेटर्स सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. अब दोनों डिनोमिनेटर्स में किसका छोटा है, द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन. तो ये वाला स्मॉलर है तो ये वाला फ्रैक्शन जो होगा 16/3 ग्रेटर होगा. तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है बच्चों. एफ जी एंड एच आर योर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का एफ जी और एच होमवर्क में करें. नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 2. अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दैट इज वेरी सिंपल. अरेंज इट असेंडिंग ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है. इसमें बच्चों जो ए पार्ट है मैं उसको वर्बली एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसमें हमें सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें सिर्फ जो न्यूमरेटर स्मॉलर है उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर. तो फर्स्ट ए का आंसर क्या हो जाएगा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 एंड 6/7. तो ये आपको सेल्फ करना है. नाउ द बी वन, बी पार्ट मैं इसका आपको बता रही हूँ. बी में क्या है, 5/6, 5/9, देन 5/3, 5/12 एंड देन 5/7. यहां पे बच्चों क्या दिया हुआ है, ऑल द न्यूमरेटर्स आर सेम, सारे न्यूमरेटर्स सेम है एंड द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर्स इसके अलग है, डिफरेंट है. जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हमने आपको बताया था कि जो स्मॉलर होता है जिसका डिनोमिनेटर वो ग्रेटर होता है. तो इसमें और जो ग्रेटर होता है दैट इज द स्मॉलर वन. यहाँ पे सबसे ग्रेटर डिनोमिनेटर किसका है, 12. तो ये सबसे छोटा हो जाएगा. तो 5/12, देन इसके बाद 5/9, देन 5/7, देन 5/6 एंड देन 5/3. अब आप देखेंगे बच्चों कि इसको अपने ओरिजिनल आंसर फ्रैक्शंस में लिखना है. 5/12, 5/12, 5/9, तो ये हमने कौन से ऑर्डर में अरेंज कर दिया इसको, दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू ग्रेटर. जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है दैट इज द स्मॉलर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट इज सी पार्ट. अब बच्चों मैं इसका सी पार्ट आपको समझा रही हूँ. अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर आ गया तो डिसेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. द सी पार्ट इज 1/3, 5/6, 7/12, 3/4 एंड 1/2. ऑल द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट. यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है और न्यूमरेटर्स भी, दैट इज द अनलाइक फ्रैक्शन. अब हमें क्या करना है, सारे इसमें लाइक करना है. तो क्या करेंगे, इसके मल्टीपल्स लेते हैं. अब आपने यहाँ पे देखा सबसे ग्रेटर डिनोमिनेटर किसका है, दैट इज द 12 है. 12 हमारा ग्रेटर है. अब हम देखेंगे सबसे पहले हम इसमें से ग्रेटर नंबर देख लेते हैं, ठीक है. ग्रेटर डिनोमिनेटर किसका है, अब यहाँ पे देखा ग्रेटर हमने सबसे 12 लिखा. अब हमने देखा 3 की टेबल में 12 आता है, यस. 6 की टेबल में 12 आता है, यस. 12 की टेबल में 12 आता है, यस. 4 की टेबल में 12 आता है, यस. 2 की टेबल में 12 आता है, यस. तो इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 12. तो एलसीएम इज 12. हमें सबके मल्टीपल्स निकालने नहीं पड़े, नहीं तो हमें यहाँ पहले सब नंबर्स के अलग अलग मल्टीपल्स लेने पड़ते, फिर उसमें से कॉमन मल्टीपल निकालते, फिर हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल चूज करते. तो हमने क्या देखा, सबसे ग्रेटर नंबर देख लिया और क्या उसमें जा रहा है ये हमने देखा. अब बच्चों
अब हमारे को 1/3 लिया हमने, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बना 4 से, तो वही हम ऊपर भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4/12। अब हमने नेक्स्ट नंबर क्या लिया 5/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बनेगा 2 से, और उसी नंबर को हमें न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 5 2 10 एंड 6 2 12। अब बच्चों हमने 7/12 लिया, 12 को 1 से बनेंगे तो 12 बनेगा, 7 को भी 1 से, तो यहाँ आ गया 7/12। अब हमारा यहाँ पे आया 3/4, 4 को वापस हमने 3 से किया, तो न्यूमरेटर में भी उसी नंबर को करना, मतलब डिनोमिनेटर में हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 9/12। फिर हमने क्या किया 1/2 लिया, अब हमने 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो 12 हुआ, 1 को भी 6 से किया तो कितना आ गया हमारा 6/12। अब हमें क्या चूज करना है इसमें कि हमारे सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया, डेट इज 12, इट मीन्स द लाइक फ्रैक्शन, और जब लाइक फ्रैक्शन होता है हम क्या करते हैं, देखते हैं कि किसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है, तो क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कौन सा स्मॉलर है, डेट इज 4/12, और 4/12 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था 1/3। उसके बाद हम आए नेक्स्ट, हमारा क्या है 6/12, और इसका क्या आ जाएगा फ्रैक्शन 1/2, तो हमने यहाँ 1/2 लिख दिया। उसके बाद हम आए 7/12, तो इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है 7/12। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा 7/12 के बाद आता है 9/12, तो 9/12 में क्या है हमारा 3/4। उसके बाद हम आए 10/12, तो इसका ओरिजिनल क्या है 5/6, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दैट इज 1/3, 1/2, 7/12, 3/4, 5/6 is your answer. ये हमने ascending order में arrange कर लिया। Now the D part, self do it. In question number 2, the A part, A and B as your homework. ये आपको self try करना है, और कोई भी problem है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये भी बिल्कुल सेकंड की तरह ही है बच्चों, इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया था, इसमें हम डिसेंडिंग मींस ग्रेटर टू स्मॉलर फ्रैक्शन में करना है, तो इसमें आप ये चारों पार्ट ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।